एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उठकर पूछा कि भगवान, जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम इस पत्थर को बाजार में ले जाकर इसका सही मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। कहते हुए बुद्ध ने एक चमकीला पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। वो व्यक्ति उस चमकीले पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और उससे कहा, भाई इस पत्थर की कीमत तो लगाओ। संतरे वाले ने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है, 12 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे जाओ। कीमत लगवा कर वो व्यक्ति आगे सब्जी वाले के पास चला गया और उससे कहा, भाई जरा इस पत्थर की कीमत तो लगाओ। सब्जी वाले ने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है परंतु ये मेरे किस काम का, लेकिन हाँ ये मेरे सब्जी तौलने के काम आ सकता है, इसीलिए एक बोरी आलू ले जा और पत्थर मुझे दे जा। व्यक्ति को तो बस उस पत्थर का मूल्य ही जानना था, इसीलिए वो आगे बढ़ गया और एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पत्थर की कीमत लगवाई। सुनार ने कहा, 10 सोने की असरफियाँ दूंगा। इस व्यक्ति ने मना कर दिया। सुनार ने कहा, 20 सोने की असरफियाँ दूंगा। इस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। सुनार ने कहा, चल 50 असरफियाँ दूंगा। व्यक्ति यह कहते हुए दुकान से बाहर निकल आया कि मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। सुनार पीछे से चिल्लाया, चल तू खुद बता दे क्या कीमत लेगा तू इसकी। व्यक्ति किसी तरह जान छुड़ाकर भागा वहां से और फिर वो एक जौहरी के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस अनमोल रूबी को देखा तो वह उसे देखकर हैरान रह गया और उसने सबसे पहले एक कपड़ा बिछाया और उस पर रूबी को रखा और उसका एक परिक्रमा लगाया और कहा, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी, मैं अपनी पूरी दुकान, यह तक कि मैं अपना घर बार सब कुछ बेचकर भी इस रूबी की कीमत नहीं चुका सकता, यह अनमोल है। जौहरी की बात सुनकर व्यक्ति हैरान हो गया और सीधा बुद्ध के पास जाकर बाजार में होने वाली सारी घटनाएं बुद्ध को बताई और बोला कि आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरे प्रश्न का जवाब इस कीमती पत्थर ने पहले ही दे दिया है। जिस प्रकार इस बेशकीमती रूबी की कीमत सबने अपनी अपनी तरह से लगाई, अपनी हैसियत और जानकारी के हिसाब से लगाई, ठीक ऐसे ही जीवन का मूल्य भी लोग अपनी हैसियत और जानकारी के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन इसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता क्योंकि यह अनमोल है। जिसने इस बात को जान लिया वो जीवन के हर एक पल को खुशी और आनंद पूर्वक व्यतीत करेगा, इसे पूरी तरह से जिएगा, और जिसने इसे नहीं समझा वो सस्ते सौदों में उलझा रहेगा, घुटता रहेगा और पल पल मरता रहेगा। इसीलिए अपने जीवन को भरपूर जियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।